पार्वती तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? नहीं। अच्छा पार्वती, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना, तो मेरी एक बात मानोगी? हाँ, कहो। मैं तुम्हें राजमहल लेकर चलता हूँ। नहीं। मेरी बात मान लो पार्वती। मैं तुमसे जुदा होने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई, थोड़ा सा विश्राम कर लो, ठीक है? क्या बात है चाचा जी? हाँ, आप किस गहरे सोच में पड़े हुए हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे उस प्रतिज्ञा के बारे में जो तुमने अपने मां के सामने की थी कि तुम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण करके अपने पिता का अधूरा संकल्प पूरा करोगे। परंतु जब से पार्वती तुमसे मिली है, तुम्हारा ध्यान बटता ही जा रहा है बेटे, तुम्हारा ध्यान बटता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पार्वती के लिए तुम्हारे मन में मोह बढ़ता ही जा रहा है। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी पार्वती अपना राजमहल का सुख छोड़कर हमारे साथ बहुत कष्ट उठा रही है, उसके लिए हमें तो पार्वती का त्याग सचमुच महान है बेटे, ये तो मैं भी मानता हूं। परंतु वो सच जिसे बताने से मैं बार बार हिचकिचाता रहा, वो सच बताने का समय आ गया है बेटे, वो समय आ गया। कौन सा सच? सच सुनना चाहते हो तुम? यदि तुम अगली शरद पूर्णिमा से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा समाप्त नहीं कर पाए तो वो रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी बेटे, वो रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जीवन संगिनी पार्वती विवाह से पहले विधवा हो जाए? तुम्हारी माँ अपने जवान बेटे की मौत का दुख सहन कर पाएगी? नहीं नहीं बेटे, नहीं। अच्छा यही होगा कि हम उसे बिना बताए चुपचाप अगली यात्रा के लिए निकल चले। शिवा बेटे, पार्वती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस भोलेनाथ ने तुम दोनों को मिलाया वो भोलेनाथ ही उसकी रक्षा करेंगे। हाँ, हाँ, जा बेटे जा। मैं अकेले छोड़कर जा रहा हूं। Thank you.
शिवा, शिवा, मैं सब अपने में शिवा को कहीं देखा? नहीं बहन, मैंने आपके शिवा को नहीं देखा। बाबा, बाबा आपने मेरे शिवा को कहीं देखा? नहीं तो